गाड़ी है जो की स्टार्ट नहीं हो रही है अभी। आप भी ठीक करके देता हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप लोगों का एक फिर से नए ब्लॉग में। और आज ना दिन की शुरुआत तो काफ़ी पहले हो गई थी, तो उसके बाद मैं वॉक पे गया, थोड़े बहुत काम निपटाए फटाफट से, वो सारी चीज़ें करके अभी बेला हुआ हूँ। मैं बेला बैठ गया, तो अब ब्रेकफास्ट वगैरह करना है। बाकी तो खास कुछ भी नहीं है, मौसम आज एकदम साफ है अभी तक तो। बाकी पता नहीं अब दिन तक कैसा रहता है, अभी तो चकाचक धूप लगी हुई है। ये देख सकते हैं आप सामने, धूप वगैरह लगी हुई है। तो अभी जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ पहले, फिर उसके बाद और काम देखते हैं क्या क्या है। ज़रा मेरा ब्रेकफास्ट लग चुका है। ब्रेकफास्ट में आज सब्जी और रोटी लस्सी, तीन चीज़ें। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट निपटाता हूँ। मुझे ना कॉल आ गया है और अब जाना पड़ेगा रोड में, तो वहाँ ना गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो मुझे कह रहा है कि मेरी गाड़ी से खींच ले थोड़ा सा, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ सीन है, तब जा रहा हूँ मैं। और बाकी तो सारे काम निपट ही चुके अपने, फिर चलते ज़रा देखते क्या सीन है। ये गाड़ी है जो कि स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी पहले एक बार ऐसे ट्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद गाड़ी लेके फिर टो करके ले जाएंगे। धक्का मार शिवम, जोर लगा। हाँ, तब क्या करूँ मैं अभी यार। चल भाई, चल 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 चल, अभी तो हो जाएगी, छोड़ दे। नहीं हो पाया। हाँ ठीक है, नहीं डाल दिया, डाल दिया वो तो, शक्कर तो डाल दिया बेटा। अरे वो कैसे करे फिर बांधने का, अगर गाड़ी सिर्फ खींचेंगे। ठीक है गाइस, तो अब गाड़ी को ना खींच के करेंगे हम लोग, तब शायद स्टार्ट हो जाए। इन लोगों ने तार भी देखी हुई है, निकाल दो भाई, तार भी निकालो इससे हम टो करने के लिए बांधेंगे। ये तो बहुत छोटी है यार, इतनी छोटी नहीं, लंबी चाहिए। हाँ दूसरी ढूंढ, तो लंबी तार मिल जाएगी ना, फिर उससे खींचने में इजी रहेगा। हाँ उतनी देर में गाड़ी स्टार्ट करके रखता है ना, जल्दी जाओ, अब जल्दी जाओ, जहाँ भी जा रहे। ये बम्पर इसमें लग गया है, इस चक्कर से ना इसमें नहीं बांधने का ऑप्शन है, हम बांधेंगे कमानी में, इसमें बांधेंगे, इससे हो जाएगा हमारा। गाने बंद करो भाई। ओए गाने बोल यार निशु, क्या है मेरे सब्सक्राइबर ध्यान दे, देख मेरे साथ मेरे 3 सब्सक्राइबर बैठे हुए हैं, चौथा नहीं आया। चलो फिर करो स्टार्ट, रोज देखते हैं ना तुम ब्लॉग। हम लोग चल पड़े हैं किधर किधर जा रहे हैं, हम पहले जा रहे डिपो, फिर जा रहे गढ़सारी, और उसके बाद नहाने जाएंगे। मतलब 2-3 काम है कंटिन्यू चलना ही अपने को, यहाँ से किनारे से गढ़सारी में जाके देखना है कि क्या काम चला हुआ है। तो बस अब इनको वेट चेक किया जा रहा है गर्दन से।
चले नहाने जाना घर सारे। सामान हो चुका है पैक, सामान भी डाल दिया गाड़ी में। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ मिलता है हमें डिपो का सामान नीचे। ये देखो यहाँ भी मिलता है, यहाँ से हमने सामान ले लिया है। अब जाना है हम लोगों को गड़सारी। गड़सारी से ग्राउंड मार के आते हैं, गाड़ी गुड़ी धोएंगे फिर निकलेंगे। खैर उतने में दिन का वक्त हो जाए, दिन तक का टाइम हो जाए। पहुँच चुके हैं लोकेशन पे, गाड़ी लगा दी इधर, काम चला है। आज तो काफ़ी दीवार लग चुकी है, अब पता नहीं इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, पत्थर निकालेंगे कि क्या करेंगे। अब चलो पूछता हूँ मासी से, मिलता हूँ, देखते हैं क्या कहते हैं मासी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं नदी के पास और गप हो गए हमारे साथ है। गाड़ी धोनी थी हम लोगों को, पर हम लोग बाल्टी शैम्पू सारी चीज़ें भूल गए, तो घर में धोनी पड़ेगी गाड़ी। आज हमने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि गाड़ी अच्छे से धोएंगे, शानदार बना देंगे आज गाड़ी को, पर भूल गए। अब यहाँ पे आके याद आया कि बाल्टी तो लाई ही नहीं है, कैसे धोएंगे। पर पानी यहाँ पे जाके गाड़ी ले जानी थी और एकदम मस्त स्विमिंग पूल में नहलानी थी अपनी गाड़ी को, पर भूल गए। तो अब क्या कर सकते हैं, अभी पता नहीं ये नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे। मोटा भाई लाए हुए है, मोटा भाई हेलो करो, शक्ल तो दिखा दो यार। रुक जाओ मोटा भाई, शक्ल दिखाता मैं। ये हमारे मोटे भैया। अब गाड़ी कैसे धोएंगे, बाल्टी ना शैम्पू कोई बात ही नहीं बनी है तो। हैं मोबाइल गुम हो गया, हाँ मैं तो लग गई दिहाड़ी। तो बस फिलहाल अभी अब क्या करें नेक्स्ट पता नहीं, अब अभी नेक्स्ट सोचते हैं क्या करें। घर को निकलना पड़ेगा क्योंकि 1 बज गया, फिर लंच करेंगे, फिर उसके बाद में कुछ गाड़ी भी धोनी है अच्छी बनानी है, क्योंकि गाड़ी की ना हालत देखो आप, इधर से तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो ऐसी गाड़ी रखना भी अच्छी बात नहीं है, तो धो लेते आज फुर्सत निकाल के। पहुँच चुका हूँ घर पे और अभी ना बाहर इतनी धूप है ना बहुत ज़्यादा, और अभी मुझे लंच करना है, फिर उसके बाद मुझे गाड़ी भी धोनी है, क्योंकि कल हो सकता है इंश्योरेंस के लिए जाए गाड़ी, अगर वो मुझे मिलेंगे आगे तो। बस फिलहाल इतने से काम है अभी, वो निपटा देता हूँ, पहले लंच कर लेता हूँ। नानू भी आ गए हैं, दीदियाँ गई हुई आज बगीचे, तो मैं नानू मम्मी तीन ही है। गाइस तो मेरा लंच वगैरह हो चुका है कंप्लीट, अभी तक ना मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ था अपना, तो खुद लंच कर रहा था। अब जा रहा हूँ मैं गाड़ी को धोने, शैम्पू वगैरह खरीदने पड़ेंगे, फिर गाड़ी की वॉशिंग अच्छे से होगी। तो चलते अब करते हैं, ज़रा कौन आ रहा है मेरे साथ, कॉल कूल करते हैं बंदों को। हम लोग चल पड़े नदी को, अभी तक 1 2 3 4 लोग हो गए और लब्बू रह गए आने को, वो आएगा फिर हम निकलेंगे नदी। अभी पता नहीं इनमें से कौन कौन डुबकियाँ मारेंगे नदी में जाके, पर मुझे तो गाड़ी धोनी है, बाल्टी ला ली, शैम्पू ला लिए, सारी चीज़ें ला ली है, तो चलते अब सीधा। हम लोग पहुँच चुके हैं नदी के पास और गाड़ी लगा दी है नाले में, अब यहाँ पे शुरू करना है। और यहाँ पे मस्त स्विमिंग पूल है, अब इनका पता नहीं कब प्रोग्राम बनेगा नहाने का, बाकी तो भैया वो वगैरह तो नहाने लगे हुए। तो मैं पहले गाड़ी निपटा देता हूँ, गाड़ी रखता हूँ रोड के साइड में, क्योंकि गाड़ी की ना हालत बड़ी ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने कपड़ा कुपड़ा निकाल दिया है गाड़ी धोने के लिए, तो ये पहले कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि कितनी चमक आए गाड़ी में। देखो इधर से ना कितनी कीचड़ कीचड़ लगा हुआ है। तो गाड़ी धो के एकदम नीट एंड क्लीन बना दी है, ये देख सकते हैं आप, और साइड में लगा दिए धो धो के, चारों तरफ से एकदम मस्त बना दिए। इधर से देखो, ये देखो आज एकदम गाड़ी भी हल्की हल्की सी लग रही है चलाने में। तो गाड़ी धुल चुकी है, बंदे भी नहा चुके हैं, और अब क्या करेंगे, अब थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे धुलते धुलते, फिर उसके बाद निकलेंगे घर पे। तो हम लोग चल पड़े हैं ग्राउंड को, अब जा रहे खेलने, गांव में पहुंच गए थे थोड़ी देर पहले, फिर जूते जूते डालने गए घर, जूते डाल के आए, आधे तो आगे चले गए, एक मेरे पीछे चला हुआ है लब्बू, बाकी आगे चले गए सारे लोकेश वगैरह माओ वगैरह सारे विल्लू विल्लू सारे चले गए आगे, हम पीछे पीछे जूते डाल के आगे। अब जाएंगे ग्राउंड, फिर एक गाड़ी खेलेंगे, मतलब टाइम पास करेंगे वहाँ पे जाके, क्योंकि यहाँ पे ना शाम के टाइम काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ जंगल में बढ़िया रहता है रिलैक्स। पहुँच चुके हैं ग्राउंड में, अभी काम चला हुआ है मैट कसने का। कस ले भाई,
मैं लग गया हूँ फील्डिंग में। जा 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 जा, इधर को लग जा तू। तो अभी जब बैटिंग आएगी बाकी तब रिकॉर्ड कर पाऊंगा मैं, देखना अभी ये कितनी क्लोले करेंगे। तो मैच शुरू होने वाला है, अभी फिलहाल हम लग गए फील्डिंग में, इनकी बैटिंग है अपोजिट वालों की। गाइस तो ओवर की समाप्ति हो गई है, हमारी बैटिंग आ गई, इनकी आ गई है फील्डिंग। छप्पन रन छोटू के खाते में जुड़े हुए सिर्फ। फौजी साहब हमारे इसका मुंह दिखाओ यार इधर सबसे पहले तो। आज इसके नाम है पूरा मैच। रुक गए यार दौड़ो। उम्मीद ये करेगा कुछ टीम के लिए। छे चौका जा 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 जा। ओ माऊ भाई कहाँ गया? कैच बीड़ी कैच। वाह ये वाला मैच हम लोग हार चुके हैं। हाँ रिलू कैसा लग रहा है हार के बेटा? हाँ तू कुछ कर नहीं पाया यार। मैं कैच ही किया वो फिर यार। ये वाला मैच हार चुके, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ठीक है जी रख दो। गाइस पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी है अभी तो। ऑल आउट कर दिया सारे ऑल आउट। 6-15 लग रहे गाइस। इस मैच में थोड़ा मजा आएगा अभी देखने का। तीन में 10 छोटू हो चुका है आउट। अब चला गया पीडी, अब देखते हैं ये क्या करता है। और एक गाइस ये वाला मैच भी हम हार चुके हैं। क्या करना तो बस अभी फिर से फील्डिंग में लग गए। 2 मैच हार गए आज हम। बॉल फंस चुकी है ऊपर पेड़ में, अब पत्थर मार मार के। हाँ मार जरा, नहीं लगी। ये है कहाँ है बॉल? निकाल दी भाई निकाल दी। सारे मैच हार के चल पड़े हम लोग, मतलब आज एक भी मैच नहीं जीते। अपनी टीम सबका मूड ऑफ है आज। मूड ऑफ तो खुश है। कितने मैच आ रहा है, चार अब भी मजा आएगा। तो मैं पहुंच चुका हूं घर पे और अभी बैठा हूं किचन में। तो अभी फिलहाल घर वालों के साथ गप्पे गुप्पे मारते थोड़ी देर, फिर डिनर करेंगे। बस यही सारी चीजें हैं, बाकी तो खास कुछ भी नहीं है। तो अभी बैठा हुआ हूं, अभी सारे लोग बाहर हैं, थोड़ी देर में अंदर आ जाएंगे। बाहर ना अंधेरा होने वाला है, तो आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया था घर को। तो सारे अभी बाहर है, अंदर से मैं और नानू आ गई। नानू आग जला रहे, पता नहीं क्यों जला रहे। अपने रूम पे डिनर वगैरह हो चुका है मेरा कंप्लीट, और मैंने ना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था,
खुद चला गया था डिनर करने, तो सारी चीज़ें कंप्लीट है। मैं आ गया अपने रूम पे, अब मुझे रेस्ट करना है और एडिटिंग करनी है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।